प्रॉब्लम ये है साला, आप दिमाग वहां पे भी लगा देते हो जहां पे जरूरत नहीं है। 100 करोड़ जाना है तो 100 करोड़ की एनर्जी अभी लानी पड़ेगी, 100 करोड़ का स्किल अभी से डेवलप करना पड़ेगा, 100 करोड़ का मैनेजमेंट स्टाइल अभी से। जिस दिन 100 करोड़ का हो जाएगा अंदर, 100 करोड़ लोगों को अंदर दिखने लग जाएंगे। 100 करोड़ को मैनेज करने के लिए जो टेम्परामेंट चाहिए, 100 करोड़ को हैंडल करने के लिए जो स्टाइल चाहिए, 100 करोड़ को हैंडल करने के लिए जो बुद्धिमानी चाहिए, जो विशेषता चाहिए, वो मेरे पास पहले चाहिए, फिर ये 100 करोड़ आएगा। इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में आप कंपनी चला रहे हैं और आपने 100 लोग रखे हुए हैं, 100 लोगों में से 100 लोगों के ऊपर मैनेजर बनाना है, सीईओ बनाना है आपको, किसको बनाओगे आप? जिसके अंदर आपको दिखेगा इसके अंदर काबिलियत है, इसके अंदर टैलेंट है, इसके अंदर नॉलेज है, इसको लोगों को साथ लेके चलने की ताकत है, जिसके पास वो दिखेगा वो आदमी 100 करोड़ पे प्रमोट होगा, वो आदमी सीईओ के लेवल पे प्रमोट होगा। इज दैट ट्रू? आप हर किसी को प्रमोट नहीं कर सकते, आप काबिलियत के हिसाब से। आपके घर में ड्राइवर है, आप उसको ड्राइवर की ही सैलरी दोगे, चाहे आप कुछ भी हो जाए। आप वो ड्राइवर कहेगा, भैया मैं तो 6 साल से काम कर रहा हूं आपके यहाँ, 6 साल पहले आपने मेरे को 12,000 पे दिया था, 6 साल बाद आप 15,000 दे रहे हो, ऐसा कैसे? मेरे को कम से कम 25 तक तो लाओ। आप कहोगे भैया ड्राइवर की सैलरी 15,000 है, बहुत है। यू विल नेवर प्रमोट हिम टू 25,000। 25,000 आप उसको तब प्रमोट करोगे जब उसमें 25,000 वाली स्किल होगी, या वो 25,000 वाला कोई काम आपको करके देगा। इज दैट ट्रू और नॉट? ऐसे ही दोस्तों, ब्रह्मांड आपको तब तक प्रमोट नहीं करेगा 100 करोड़ पे जब तक आप 100 करोड़ की स्किल लाने के लिए डिटर्मिनेशन नहीं दिखाओगे। आज मुझे जो मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं दोस्तों जाता था बैंगलोर जाके सीखता था, कभी दिल्ली जाके सीखता था कभी, तो कमिटमेंट में कमी नहीं थी। पब्लिक स्पीकिंग एक बार समझ में आ गया दिमाग में, मेरे को हमेशा लगता है कि यार हम लोग चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलते हैं सेल सीख लो, सेल सीख लो। हमें तो किसी ने एक ही बार बोला और मेरे को समझ में आ गया यार ऐसा कैसे हुआ, ये लोगों को क्यों नहीं समझ में आता, ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि यार सेल सीखने से BSR का फायदा हो जाएगा क्योंकि इसका कोर्स बिक जाएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। ये लोगों को क्यों लगता है कि डिस्कवर योर विजन में कर लूंगा तो BSR की जेब में तो 50,000 चला जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। ये लोगों को क्यों लगता है कि हमारा मिलियनेयर इन एक्शन प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट, पब्लिक स्पीकिंग कुछ भी, ये हमने ले लिया तो ये आदमी तो अमीर हो जाएगा और हम गरीब हो जाएंगे, ऐसा क्यों लगता है? मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसा। मैंने तो पहली बार जब जिंदगी में कभी नहीं पता था ये सारी चीजें, आज तो दोस्तों ये इतनी सारे ट्रेनर्स इतने वेबिनार्स कर रहे हैं, इतना यूट्यूब पे ज्ञान है तो सबको पता है ये सब चीजें सीखना चाहिए। लेकिन जब मैं सीख रहा था तो एक भी आदमी मेरे सामने, मेरे किसी भी आसपास के लोगों को नहीं पता था पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है और उसको सीखने की जरूरत होती है क्या। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, मेरे टीचर्स भी जो प्रोग्राम लेते थे 20 लोग 30 लोग 40 लोग उस प्रोग्रामों में होते थे, बड़े प्रोग्राम होते ही नहीं थे, बड़े ट्रेनर्स थे ही नहीं पूरी दुनिया में। इंडिया में तो ट्रेनिंग की इंडस्ट्री लाइक बेबी इंडस्ट्री थी। और उस दिन मुझे किसी ने 2007 में बोला पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे सिर्फ 2-3 दिन का समय इसलिए लगा क्योंकि मैं 11,000 कमाता था और मुझे 7,500 देना था। तो मैंने कहा यार मैं पापा से कैसे मांगूंगा घर चलाने के लिए, और पापा से मांगने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मुझे पता था पापा तो जानते हैं कि 11,000 से ज्यादा खर्चा कैसे होगा इस लड़के का। ये 3,000 रुपए के घर में किराए के लिए रहता है, 3,000 इसका टिफिन का खर्चा, कैब इसको लेने आती है, तो 3,000 से ज्यादा मतलब 11,000 से ज्यादा खर्च कैसे करेगा ये, तो पापा से मांग नहीं सकते थे। और अगर 7,500 पूना जाते ही, अभी तो नया नया मैं पूना गया हूं, जाते ही 7,500 पापा को बोलूं भाई खर्च हो गए, पापा देखेंगे, और पापा को मेरे लगता था ये पूना जाके बिगड़ तो नहीं रहा है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली राजस्थान में ये फिलोसफी है कि लड़का अकेला जाके दिल्ली रह रहा है, विदेश रह रहा है, पूना रह रहा है, बॉम्बे रह रहा है, बैंगलोर रह रहा है, बिगड़ रहा होगा। ओके, कहीं ना कहीं ये माइंडसेट हो जाता था। तो वो 7,500 जब मेरे को पहली बार समझ में आया कि पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम हो रहा है, मैंने कहा यार एक बार कुछ नया करते तो है, लेट्स सी। बस 3-4 दिन मुझे यही लगा ये फिगर आउट करने में कि पापा से लूं, दीदी से लूं, भाई से लूं, दोस्त से लूं, या लूं या नहीं लूं, क्या करूं कैसे करूं। 4 दिन सॉरी, उसके डिसीजन तो पहले दिन ही हो गया था कि करना है। 3 दिन जरूर पैसा अरेंज करने में लगा, और पब्लिक स्पीकिंग जब पता लगा कि यार ये तो आसानी से डेवलप की जा सकती है, और टीचर ने कहा 100 बार प्रैक्टिस करना है, कर लो 100 बार प्रैक्टिस। मैंने कहा यार करना क्या है, 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है, रात भर ड्यूटी होती है, सैटरडे संडे फ्री मिलता है, दिन में फ्री मिलता है, अरे इतना तो कर ही सकते हैं यार, बस लग गए प्रैक्टिस में। फिर उसी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, किसी ने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आया नहीं आया, इतना समझ जरूर आ गया पॉजिटिव रहने से पॉजिटिव होगा, इतना समझ में आ गया कि अगर मैं किसी चीज को ऊर्जा दूंगा तो वही चीज मेरे पास लौट के आएगी, अगर मैंने दोस्ती को ऊर्जा दी तो दोस्ती अच्छी होगी, मैंने रिलेशनशिप को ऊर्जा दी तो रिलेशन अच्छा होगा, बॉडी को ऊर्जा दी तो बॉडी अच्छी होगी, इतना समझ में आ गया। मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है बस, और सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद किसी ने कहा NLP सीखो, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे आपको झटके में सब चीजें चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा NLP इज इंपॉर्टेंट, लेट्स लर्न इट। आई स्टार्टेड लर्निंग इट एंड इट स्टार्टेड गिविंग मी रिजल्ट्स। फिर किसी ने कहा सेल सीखो, सेल सीखा। दोस्तों जो जो दुनिया
एक बार अगर किसी ने मेरे सामने कोई चीज नाम ले दिया और कहा ये बहुत बढ़िया है, और ऐसे जेन्युइन आदमी से मेरे को समझ में आ गया जो कि लिटरली जेन्युइन है, यू नो, मेरे दोस्त ने IIM कलकत्ता से एक MBA किया था एग्जीक्यूटिव, और उसने कहा यार क्या लाइफ है और क्या वास्तव में IIM का क्या लर्निंग है, मेरे माइंड में सपना बन गया IIM से अपने को लर्निंग करनी है, तुरंत जाके अगले साल ही एनरोल कर दिया, और उस समय तो पैसा भी नहीं था, जो क्योंकि मेरा एनर्जी जो है ये लेवल पे मैं फीड कर रहा हूँ और कई लोग इस लेवल पे फीड कर रहे हैं। अगर आपको दिन रात पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और बिना पॉलिटिशियन बने, आपको बिना पॉलिटिशियन बने आप जॉब में हो, आप अपना IT का काम कर रहे हो, आप 15,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 कमा रहे हो, और शाम को आके अपने दोस्तों के साथ ये चर्चा कर रहे हो यार BJP में दम नहीं है, यार BJP की फिलॉसफी बेकार है, यार कांग्रेस बेकार है, यार ये जनता दल वाले बेकार है, आई थिंक यू आर फीडिंग बहुत मुश्किल है वाले माइंडसेट को, नहीं हो पाएगा 100 करोड़। अरे ये सब बकवास है, ये तो होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट हैपनिंग। दोस्तों अगर आप ये सब कर रहे हो तो दिस इज नॉट गोइंग टू रियली वर्क माय डियर फ्रेंड। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही समझा रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है फीड द राइट माइंडसेट, दैट्स इट। और फीड द राइट माइंडसेट मींस आपको जो बनना है उसी को ऊर्जा देनी है। क्या बनना है आपको, आपको आपको क्या चाहिए? वेल्थ चाहिए, तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए एनर्जी तो लगाओ। अब आप में से किसी को मैंने कहा भाई 6 बैंक अकाउंट 7 बैंक अकाउंट लिखो, यहीं पे आधे तो धराशायी हो जाएंगे, बोले 7 बैंक अकाउंट पागल हो गया क्या, कोई मैनेज होते हैं क्या? अच्छा दूसरी चीज, क्योंकि पहले तो 7 बैंक अकाउंट खुलाओ, एक में फिर पहले 40% डालो, दूसरे में 20% डालो, तीसरे में 10, चौथे में 10, पांचवे में 10, फिर 5 और फिर 5 डालो। ओहो डोनेट करें हम 5% हर महीने, ओ इम्पॉसिबल, पागल हो गए, कहां डोनेट करें, आधे तो वहीं फेल हो जाएंगे, कहां डोनेट करें भाई, ये थोड़ी डोनेट होगा हमसे, 5% हमसे छूट जाए, हमसे अपनी लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं छूट रहा, हम दूसरों के लिए ऐसे ही 5% छोड़ दें, 1,00,000 कमाते हैं, 5,000 डाल दें खड्डे में कहीं पे भी, गुप्त दान कर दें 5,000, किसको कर दें भाई गुप्त दान, और दान करने से हमारी लाइफ कैसे बढ़ेगी हम देख ही नहीं पा रहे। अरे दुनिया के सारे शास्त्र पुराण सब कुछ बोल रहे हैं दान करो दान करो दान करो, और हम अभी भी इसको आज तक भी हमारे लॉजिक में नहीं डाल पाए। मैं कहता हूं जिस चीज के लिए दुनिया के सारे विद्वान बोल रहे हैं उसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत किधर है? प्रॉब्लम ये है साला, आप दिमाग वहां पे भी लगा देते हो जहां पे जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो इतना समझ में आ गया कि किसी ने कहा भाई पब्लिक स्पीकिंग लीडर बनने के लिए जरूरी है, बस दिमाग लगाना ही नहीं है, अब सीखना ही है उसको। मुझे ये समझ में आ गया कि बिजनेस को पावरफुल बनाने के लिए और हर लेवल पे लीडर में भी और लीडरशिप में निखार लाने के लिए सेलिंग स्किल जरूरी है, चाहे मैं डोर टू डोर सेल करूं या ना करूं, मुझे आना चाहिए, ये वो स्किल है जो बहुत ज्यादा पैसा दे सकती है। मुझे ये समझ में आ गया दुनिया के सारे दिग्गज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, अब दिमाग लगाना नहीं है उसमें, उसमें सीखने में दिमाग लगाएंगे कि शेयर मार्केट को कैसे सीखे, वो दिमाग लगाएंगे, इन्वेस्ट करें या ना करें ये दिमाग नहीं लगाएंगे, ये तो करना ही है इन्वेस्ट। हमें LICs वगैरह ये हमारी पॉलिसीज वगैरह करनी है, हमारे को ऐसा फंड बिल्ड करना है जो इमरजेंसी फंड हो, जो हमारे लिए आधी रात को काम में आ सके, अनहोनी के समय पे काम में आ सके, ऐसा फंड हमें बिल्ड करना है, इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। अब इसमें दिमाग शुरू में ये लगा सकते हो, आपके शुरू में आपके पास 10% नहीं है, 1% से शुरू कीजिए, डोनेशन के लिए 5% नहीं है, 1% से कीजिए, 1% से कीजिए एजुकेशन पे खर्चा, वहां से शुरू कीजिए, लेकिन इसमें दिमाग लगाना क्यों है? अरे भाई मैं आपको आपका दुश्मन तो हूं नहीं कि मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं, मैं मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आपका बुरा हो तो मेरा भला होगा, ऐसा भी नहीं होने वाला, बल्कि आपका अगर थोड़ा भी बुरा हुआ तो मेरा आप 500 गुना बुरा कर दोगे, हजारों लोगों के जाके बताओगे शायद अरे भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, और मैं तो जाके बोलूंगा नहीं। तो दोस्तों मेरा भला किस चीज में, मेरा भला उस चीज में है कि मैं राइट चीजें सीखूं, राइट चीजें इंप्लीमेंट करूं और आपको वो राइट चीजें बताऊं जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें भी आप दिमाग लगा रहे हैं ये करूं नहीं करूं, हाँ बात तो सही है लेकिन करूं कि नहीं करूं, ये आपको गरीबी की तरफ या एवरेज लाइफ की तरफ ही धकेलेगा। जहां पे दिमाग नहीं लगाना वहां दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग कहां लगाना है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ये फाइनल हो गया। अब इसके लिए सीखना ही सीखना है, कितना सीखना है, कितना नहीं सीखना है, कितना पैसा डालना है, कितना नहीं डालना है, कितना इंट्राडे में डालना है, कितना ट्रेडिंग में डालना है, वहां दिमाग लगाएंगे हम। लेकिन ये फाइनल हो गया कि सीखना है, ये फाइनल हो गया कि जल्दी से जल्दी सीखना है, ये फाइनल हो गया कि उसके लिए सीखने के लिए पैसा देना ही पड़ेगा, ये मत सोचिए कि सीखने के लिए कोई ना कोई फ्री में सिखाएगा तो ही आएंगे। भैया फ्री में दोस्तों यही नॉलेज मिल सकती है जो अभी मिल रही है। आप मुझसे शेयर मार्केट सीखना चाहते हो, अब शेयर मार्केट अलग से 50, 100, 200 घंटे का काम है, मैं फ्री में नहीं सिखा सकता दोस्त। और या फिर आप सभी लोग मिलके 10-10, 20-20 हजार मेरे अकाउंट में डोनेशन डाल दो ताकि मेरे पास मेरे को कमाने की टेंशन नहीं रहे, फिर मैं अगले 6 महीने आप लोगों को ऐसे ही फ्री सिखाता रहता हूं। लेकिन दोस्तों आप मेरे को मेरे घर चलाने के लिए पैसे नहीं दे रहे, आप मेरी टीम का खर्चा चलाने के लिए मेरे को पैसे नहीं दे रहे, तो मुझे कमाना पड़ता है। और इसीलिए
कोई आगे होके मेरे को देगा नहीं, ना आपको देगा कोई आगे होके पैसा। इसीलिए हमें सेलिंग स्किल चाहिए, इसीलिए हमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल चाहिए, इसीलिए हमें लीडरशिप स्किल चाहिए, इसीलिए हमें आगे बढ़ने की टेक्निकल स्किल्स चाहिए, जैसे कि यूट्यूबिंग स्किल हो गई या जो भी है, आज चाहिए हमें। और ये सीखेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो दिमाग नहीं लगाना है आगे बढ़ने के लिए। हमने कह दिया कि 20% मिनिमम इन्वेस्ट करना है और अपनी नीड को 40% तक समेटना है। आज अभी नहीं हो पाएगा, इमीडिएट बेसिस में नहीं हो पाएगा, 2 साल के अंदर होना ही होना चाहिए। देयर इज नथिंग व्हिच यू नीड टू डू, देयर इज नथिंग व्हिच यू हैव टू पुट योर ब्रेन इनटू। जो मैंने फ्री में सिखा दिया वो इनवैल्यूएबल है, वो इनवैल्यूएबल है मेरे भाई। और उसके भी अंदर आपने और ज्यादा डिटेल डाली तो मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इनको ध्यान से, इनको फ्री समझ के छोड़ मत देना, इनको फ्री समझ के इन पे फोकस कम कर मत कर देना, बल्कि इनमें अब दिमाग मत लगाओ। ये सारी चीजों को सुन लो, समझ लो और डीप जाइए इनके दिमाग, जाइए दिमाग लगाइए कि इसी को अब और अच्छे से मैं कैसे मैनेज करूं, उसमें दिमाग लगाइए। इसी को 40% की जगह 20% में कैसे लाऊं, उसमें दिमाग लगाइए। ये डोनेशन कितना मैं कैसे कर सकूं, छोटा मैं शुरू तो करना है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसको शुरू कीजिए, इसमें दिमाग लगाइए। तो दोस्तों इन चीजों में दिमाग मत लगाइए कि ये करूं कि नहीं करूं, ये अच्छा है कि बुरा है, ये अच्छा ही है। ये अगर मैं दे रहा हूं आपको और आप यहां सुन रहे हो तो ये अच्छा ही है। इसमें दिमाग मत लगाइए कि अच्छा है बुरा है, काम का है नहीं है, सोचूंगा इसको इंप्लीमेंट करने से पहले, इसको इंप्लीमेंट करना ही करना है।